28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लिहाजा उससे पहले मुख्यमंत्री आवास में तमाम यूपीए विधायकों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस बैठक में खास तौर पर विपक्ष के उन तमाम सवालों के जवाब देने को लेकर रणनीति बनी है, साथ ही जो बिल फिर से विधानसभा से पारित करा करके राजभवन भेजा जाएगा उस पर चर्चा हुई है, इवन कि मणिपुर में जो घटना हुई है उस पर चर्चा हुई है। जाहिर सी बात है उन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है जो मॉनसून सत्र में विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है या सत्ता पक्ष उसे उठा सकता है। विपक्ष की बैठक के बाद तमाम जो विधायक मुख्यमंत्री आवास के बाहर से निकले उन तमाम विधायकों से हम लोगों की बातचीत हुई है, उन विधायकों ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। अमित ठीक है दादा, बोलिए दादा क्या कुछ हुआ बैठक में? बैठक में विधानसभा सत्र आहूत होने के पहले एक दिन एक परंपरा है, गठबंधन दल बैठते हैं और जी गाड़ी थोड़ा नीचे। हाँ, बैठने के बाद दादा क्या कुछ हुई आज की बैठक में जो यूपी विधायक दल की बैठक बुलाई? देखिए यूपी विधायक दल का बैठक यही हुआ कि सभी मंत्री जो है बढ़िया से अपना तैयारी करके हम लोग आएंगे, जो सवाल जवाब होगा उसका बेहतरीन तरीका से हम लोग देंगे और जो भी समय मिला है बढ़िया से काम करने के लिए बोला गया और क्या यही सब चर्चा हुई। होंगे विपक्ष के पास तो देखिए वो जो देखिए हमारे यहाँ जो भी होता है एक घटना घट जाती है उसका तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। हमारा पास तो ऐसे घटना है कि जो सुनहरे तरीके से चल रहा है, जो घटना घटी है निश्चित तौर पर सरकार उसमें संज्ञान लिया है और उसको हम लोग दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। सर जो बैठक में बातें आई थी तीन विधेयक जो गवर्नर ने लौटाया था, अब उसमें तय हो गया कि हाउस में आ रहा वो तीनों मॉब लिंचिंग? नहीं नहीं देखो उसमें जो गवर्नर साहब का इसके पहले जो भेजे थे जो तरीका नियम है उसके अनुसार नहीं भेजा गया था। उस विधायक का नियम के अनुसार जो है कि उसका जब जाता है तो ये विधानसभा से पारित होकर एक संलेख लगा कर जाता है और उसमें प्रोसीडिंग में कुछ होता है कि उसी का सुधार करने के लिए, वैसा उसी तरह का नहीं आया है। उस पर चर्चा हुई है, आगे आपको देखने मिलेगा जो बिल वापस आया कैसे करके फिर बिल को भेजा जाए उसके बाद चर्चा। ठीक है, कल दिखेगी। विपक्ष के सवालों के लिए आप लोग तैयार हैं? बहुत सारी तैयारियां चल रही है। विपक्ष के पास है क्या चीज उसको क्या हम लोग को कुछ करना पड़ेगा? विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, है ना? और मणिपुर में आलो लोग सब ये मणिपुर का कुछ बोल नहीं पा रहा है विपक्ष लोग। तो आप लोग उठाएंगे मणिपुर का मुद्दा कल? नहीं नहीं, हम लोग दे तो पूरा देश उठा रहा है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।